चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडियामी। उन्हें सभी को एक बार जय भीम नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, आवाज आ रही है, बोलिए। तो अमन शंकर कंसेप्ट तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, लेकिन मैं पहले श्रमण संघ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्रमण संघ नया नहीं है, बुद्ध से पहले एक संघ चलता था, यह वही श्रमण संघ है जिसे हमारे ही पूर्वजों ने बनाया और चलाया था। श्रमण संघ में सभी प्रकार के निर्णय और फैसले संघ के द्वारा बहुमत के आधार पर ही किए जाते हैं। संघ का निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता है और संघ के द्वारा ही चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने स्वर्णीय शासन चलाया। वमन लोग, जिन्हें आर्यों के नाम से भी जाना जाता है, इस देश में आए तो हमारे पुरखे समता में रहने वाले श्रमण या श्रमणी कहलाए। बाद में श्रमण शब्द को ही विकृत करके काल्पनिक किस्सों और कहानियों के जरिए हमारे श्रमण संस्कृति विलुप्त होती चली गई। आज उसी श्रमण संघ को फिर से अपने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बाबा साहब ने भी भारत गणराज्य संघ ही दिया है। श्रमण संघ ही हमारे देश का सबसे पुराना संघ है और केवल हम ही संघी हैं। वास्तविक संघ की परिकल्पना लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। संघ का कोई नेता नहीं, संघ में कोई पद या पदाधिकारी नहीं होता। संघ के लिए कोई चंदा, किसी टाइप का शुल्क आदि कभी नहीं लिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर हमें जो भारत का गौरवशाली संविधान दिया है, आज उसी संविधान को भी विकृत करने की कोशिश की जा रही है और बहुत बहुत हद तक कर भी दिया गया है। हमें अपने अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए श्रमण संघ ही की आवश्यकता है। श्रमण संघ का कंसेप्ट मात्र इतना सा है, जुड़ना है और जोड़ना है। जुड़ना है, हमें खुद जुड़ना है और मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। संविधान बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, उनके भविष्य के बारे में चिंता करना है। हम जब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और संघ से जुड़ना हमारा मजबूरी है क्योंकि हमारे पास कोई आज के डेट में विकल्प नहीं है। हम देख रहे हैं कि संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, हमको जो फैसिलिटी मिल रही है धीरे धीरे बंद हो जा रही है। हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी को हमारे को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं। तो जितनी जल्दी हम इससे जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाएंगे। इसके साथ सभी को जय भीम नमो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुरेश जी, बहुत सुंदर बोला कॉन्सेप्ट सुरेश जी आपने। बहुत बहुत साधुवाद आपका। अगर आप आवश्यकता समझे तो मेरे को कभी भी शाम को बुलवा सकते हैं, मैं संकोच में नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये रहता है कि नहीं आज ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। जी जी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के, ये कंसेप्ट भी है कि सबकी सहमति से सब काम करना। जी जी जी।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।